मैं आपकी हूँ शरबत फरूख और आप देख रहे हैं मेरे कुजीन जी। आज आपके लिए मज़ेदार सी मीठा बनाने के लिए लेकर आई हूँ, वो है शाही टुकड़े। वो किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या मैटर होता है, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने डबल रोटी के स्लाइस ले लिए। अब इसके हम पहले सारे किनारे काट लेंगे, सब किनारों को ये बिल्कुल इसके सब कट जाएंगे, फिर उसके बाद का मरहला शुरू होता है। सब किनारे काट लिए, अब हम इसके बीच में से जैसे वैसे तो इसी तरह के शाही टुकड़े होते हैं कि इसको तिकोन तिकोन काटेंगे बीच में से, इस तरह कर लेंगे सारी डबल रोटी के। सारी डबल तैयार की हुई है तो ये बहुत जायकेदार बनते हैं। जिस तरह मैटर मेरा जो होगा बनाने का वो आप देखिएगा, उस तरीके से बनाइएगा। इसको हम डबल रोटी को जो हमने किनारे काटे और तिकोन बनाया है तो हम ज़रा इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई किस चीज़ में होंगे, मीठी चीज़ हमेशा आपको बताया हुआ है कि ना ये घी में ही होता है, तो इसको ज़रा ये पिघल जाए, ज़रा सा गर्म हो जाए, फिर उसके बाद फ्राई होते हुए देखिएगा कैसी होती है। ये हम इसको गर्म हो चुका है, इसको इस तरह से रखेंगे, हल्की आंच पे करेंगे कि जल ना जाए। एक एक दो दो तीन तीन करके इसको इस तरह से हम फ्राई करेंगे। यह हल्का फ्राई हो गया है, सारे हम इसी तरह से ना फ्राई कर लेंगे। और फिर उसके बाद वो बॉयल होगा और क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये सब आपको दिखाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ये दूध बॉयल करने रखा है, अब हम इसके अंदर चीनी और खोया डाल के पकाएंगे, खूब अच्छी तरह से ये पक जाएगा। तो उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ये देखें खोया है, इसमें खोया डालेंगे और इसको पकाएंगे, अच्छी तरह पकाएंगे, चीनी भी डाल देंगे साथ ही, हल्के जायका चीनी जाएगी इसके अंदर। लाजमी कोई कम खाता है मीठा, कोई ज़रा सा ज़्यादा खाता है तो वो अपने हिसाब से रखे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कि नीचे ना लग जाए, खोया डाला ये ना हो कि नीचे लग जाए। इसको पकाएंगे ज़रा, इसमें जोश आ गया है, पकते पकते काफ़ी देर हो गई है इसको। तो अब हम इसके अंदर दो चमचे मैंने कस्टर्ड पानी में घोले थे, अब इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस पतला ही रखना है हमने। ये ना ज़्यादा है ना पतला है, ठीक है, बस इस हिसाब से रखना है। फिर उसके बाद अब ज़रा सा चूल्हा बंद करते हैं, हम डबल रोटी जो हमने फ्राई करी थी उसको हम सेट करते हैं। अब हम इसको बस डबल रोटी के स्लाइस रखेंगे, जिस तरह चाहे आप रख सकते हैं, यह है कि थोड़ा सा अच्छा नज़र आए इस तरह करके रखें। इसको सबको हम इस तरह से करके रखेंगे, जो हमने ये खोया डाल के दूध और कस्टर्ड डाल के बनाया था थोड़ा इसके ऊपर डाल दें ताकि ये भीग जाए अच्छी तरह। फिर इसको ऊपर रख देंगे इसी तरह से करके सब। लाजमी सबने ही खानी होती है तो इस वजह से इतनी माशाल्लाह यमी किस्म का ये बनता है ना मीठा। तो फिर बाकी का सब हम इसको ऊपर डाल देते हैं, सब अच्छी तरह भीग जाए और फिर इसको ठंडा करके खाएं, बहुत मज़ेदार ये जायकेदार इंशाल्लाह आपका बनेगा मीठा। अब इसको ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर खोया डाल दो, आप ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मेरी शाही टुकड़ों की।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि ये जायकेदार आप बनाएंगी तो आपके हाथ से भी बहुत मज़ेदार बनेगी। मैं जब भी बनाती हूँ तो ये बहुत लजीज बनती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर किया करें ताकि ना मेरी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।